अध्यक्ष जी, भारत की सांस्कृतिक आत्मा के दीप परम पूज्य डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील जी, विरोधी दल के नेता आदरणीय नंद किशोर बाबू, शाहनवाज हुसैन जी जो भारत की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तमाम माननीय सांसदगण, विधायकगण, बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष, साथ ही अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, संगठन के महासचिव परम पूज्य नागेंद्र जी, भाई और बहनों, नौजवान मित्रों, मीडिया के साथियों, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। कैलाशपति जी उसी शिव की आकृति के रूप में, वो हमारी इबादत है, वो हमारी पूजा है और वे हमारे संकल्प भी हैं। क्या साम्य है शिव में और उन्हीं के नाम के कैलाशपति में? शिव अंतर विरोध के समन्वयक है, समाधान है। राजनीति भी अंतर्द्वंद है, अंतर विरोध है, उससे रास्ता निकालना कैलाशपति जी है। आज जहां उनका जन्म हुआ, शिव ब्रह्म है, कैलाशपति जी ब्रह्मपुर की खूब से आए। शिव की जटा में गंगा है, कैलाश जी के ब्रह्मपुर को गंगा पुकारती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो शरीर रहते हुए भी और शरीरी थे और शरीरी हैं, और यह कहना कि स्वर्गीय पुण्यतिथि जी जन्मतिथि है। सूरज नहीं डूबता, वह तो स्थित रज है, धरती उसकी परिक्रमा करती है, वह टूटता हुआ नजर आता है, पर वह तो जहां का तहां है। उसी तरह से कैलाशपति जी विचारधारा है, कैलाशपति जी आदर्श है, कैलाशपति जी धरती की कोख के नक्षत्र हैं, और कैलाशपति जी उस कोख से आए हैं जिस कोख में भारत की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया है, जिस कोख ने आजादी के संघर्ष की जो कोख दीप सिखा है, वे उस कोख से आए हैं, उस मिट्टी से आए हैं, उस संस्कृति से आए हैं, उस संस्कार से आए हैं जिसने बिहार के कणकण को, बिहार के चप्पे चप्पे को संवारा है, श्रृंगार किया। वे उस पीढ़ी से, उस संस्कृति से आए हैं जो आर्थिक क्रांति के अग्रदूत हुआ है, जो सांस्कृतिक क्रांति की चेतना का एक प्रतिरूप है। वो पूंजीवादी क्रांति की आकृति है, वो गरीबी के उद्धार की मशाल है, और बिहार जो कुछ भी है आज, वह बिहार उन्हीं के संस्कार की कुर्बानी है, शहादत है। और इसलिए हम
उनका नमन करते हैं या कहते हुए कि हम उनके काल में आए, और जब उनके काल में हम पार्टी में आए तो हमारे जिला में हमारी पार्टी के साथियों ने बड़ा विरोध किया। कैलाश पति जी के यहां लोग आए, कहा भोला सिंह को पार्टी में मत रखिए, भोला सिंह को पार्टी में नहीं आने दीजिए। कैलाश पति जी ने कहा, कहते हो पार्टी में नहीं रहने देंगे, पार्टी में नहीं रहे तो हाथी को ले आए हो, हाथी रहेगा, हाथी के चारे का प्रबंध किया है, ये हाथी जो आया है वो हाथी कहां रहेगा, उसके चारे का तुमने प्रबंध किया है। ये कैलाशपति जी का जवाब है। आज राष्ट्रीय स्तर के हमारे परम पूज्य मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं, पार्टी के तमाम नेता भी हैं। दो तीन बात मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये, हम भारतीय जनता पार्टी को कैलाशपति मिश्र की जो भारतीय जनता पार्टी थी, हम उसी जनता पार्टी को देखना चाहते हैं। वह जनता पार्टी थी त्याग और कुर्बानी की इबादत थी, वह दान भारतीय जनता पार्टी थी पसीने की इबादत थी, वह भारतीय जनता पार्टी थी कार्यकर्ताओं की इबादत थी, वह भारतीय जनता पार्टी थी नरसिंह नारायण की यात्रा थी। हम आते थे धनवान बनने के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए। जब आज कैलाशपति जी यहां आए हैं, पार्टी ने उनको बुलाया है और हम सबों के बीच में वो उपस्थित हैं, तो मैं कहना चाहता हूं हम यहां हनुमान बनने के लिए नहीं आए हैं, भगवान बनने के लिए आए हैं, पर अब हम यहां हनुमान बनने के लिए आए हैं, भगवान बनने के लिए नहीं आए। हम नरसिंह नारायण की यात्रा हमारी मंशा है, हमारा अभीष्ट है। राजनीति की सत्ता हमारा अभीष्ट नहीं है, पर हम आज नरसिंह नारायण की यात्रा नहीं, नरसिंह रावण की यात्रा में चल रहे हैं। सत्ता हमारी अभीष्ट है, सत्ता के लिए हम आदर्श की बलि दे रहे हैं। इसलिए मैं कैलाशपति जी को सामने में रखकर अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति खेती नहीं है, राजनीति रोटी नहीं है। हम कार्यकर्ता एक आदर्श को स्थापित करने के लिए और बिहार की उस परंपरा को, जिस परंपरा को बिहार के श्री ने लागू किया, जिस परंपरा को कैलाशपति जी ने लागू किया और जीवन भर उसके लिए समर्पित रहे, हम इस पार्टी के माध्यम से उसी बिहार को बनाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं पार्टी में आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, हमारी पार्टी में चेतना का भाव नहीं है, हमारी पार्टी में भक्ति का भाव नहीं है, हमारी पार्टी में राजप्रेम का भाव नहीं है, लेकिन इस पार्टी में तरह तरह के बयान आते रहते हैं। कोई बयान देता है कि बिहार का मुख्यमंत्री ईमानदार है, कोई बयान देता है कि बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री खराब है, फिर प्रवक्ता कहते हैं कि अब उनकी व्यक्तिगत बात है, ये पार्टी की नीति नहीं। क्या हम दिखाना चाहते हैं, कौन सी आकृति जनता के बीच में हम पेश करना चाहते हैं। दूसरी बात कि हम जाति नहीं, हम संप्रदाय नहीं, हम जमींदार नहीं हैं, सालों भर हम काम करते हैं, पसीना बहाते। आपने कहा रविदास की जयंती मनाओ, हमने रविदास की जयंती मनाई। आपने कहा अम्बेडकर की जयंती मनाओ, अम्बेडकर की जयंती मनाओ। आपने कहा कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाओ, बनाई। आपने
बिहार में सामाजिक संस्कार को उच्च आदर्श पर रखने के लिए जो ग्राम जो पंचायती राज की स्थापना की, आपने किसको कहा इस मुखिया को बनाओ, हमने समर्थन किया, हम खाद बने। पर जब हम इस काम को करते हैं, क्या जो कुर्बानी करते हैं, कार्यकर्ता जब इस काम को कि शहादत की बड़ी वेदी पर चढ़ता है और जब गणतंत्र का जन्म होता है तो हमसे कहा जाता है कि जरा आप अलगे रहे, सालों है मांग में सिंदूर है और जग के दिन हमारे मांग के सिंदूर टूट जाते हैं, आप जमींदार हैं, जरा अलगे रहिए। इसलिए आज कैलाश मुखी जी के सामने मैं आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, मैं बाहर नहीं बोलता, यही बोल रहा हूं, सुनाने के लिए बोल रहा हूं, और ये भी जानता हूं कि बोलने का क्या खतरा है, ये भी जानता हूं, इस बोलने की क्या सलाह होगी ये भी मैं जानता हूं, पूरे शरीर में छेद है ये मैं जानता हूं, लेकिन हमारा आपसे कहना चाहते हैं, हम आज आपसे कहना चाहते हैं कि हम इस घर के इस घर में हम हैं, ये घर हमारा है और इस घर में रहने के लिए और करने के लिए हमने कुर्बानी दी है। सुशील कुमार मोदी, नंदकिशोर यादव हमारे श्रृंगारिक रूप हैं, हमारे 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 नेता के द्वारा आशीर्वाद के फूल हैं, फल हैं। हमने हमने इस पार्टी को जातीय पार्टी नहीं बनाया, हमने इस पार्टी को एक जाति की पार्टी नहीं बनाया, जो भारत की आत्मा है उस आत्मा के मुताबिक हमने भारत की सांस्कृतिक अवधारणाओं को इस पार्टी में प्रयोग करके संपूर्ण समाज की जो आकृति है वो हमने भारतीय जनता पार्टी की आकृति बनाई। लेकिन आज इस घर में अगर कोई कहे कि तेरा घर नहीं है, किराए का घर है तेरा, इस घर में जरा ठीक से रहो, अब ये घर तेरा नहीं। हम इतना ही कहना चाहते हैं, अगर हम आपके बड़े बोर्ड हैं, आप हमको सहने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम फिर आपको बोझ नहीं समझते। हमने आपको अपने कंधे पर उठाकर यहां पहुंचाया, कंधे पर उठाकर और भी ऊपर ले जाएंगे आपको, लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि हमको कुर्सियां मत लगाए, हम जहां जहां हैं वहां आप मोर्चा में समझौता में उस जगह को आप दूसरी पार्टी को दे देते, हम कुर्सियां लगाते, अब उस पार्टी के लोग कहते हैं कि तू तो हमारे दल का है न, वो हमको समझते हैं और आप समझते हैं कि एक बड़ा योद्धा सामने चला गया। ये अगर परिस्थिति रहेगी आप हमको क्या देंगे, हमने दिया है, हम दीप के तेल बने, बाकी बने, हम जले हैं, जलते ग्राह को छात में लगाया है, हमने अपने लोगों की जमीन पर चढ़ करके उसको बंटवारा किया है, हमने भूमिहर की धर्म की कानून को पास किया है, हमने औद्योगिक क्रांति की है, हमने दूध क्रांति की है, सब हमने किया है, हमको क्या देंगे आप, हम तो देने के लिए हैं, हम अंधेरे को उजाला देने के लिए आए हैं, आप हमको बट समझिए कि ये कुछ लेने के लिए आया है, हम लेने के लिए नहीं आए हैं, अगर हम नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे हाथ में तलवार भी है, हमारे हाथ में कलम भी, हम पूजा भी हैं, हम कलम भी हैं, लेकिन आप तलवार नहीं हैं, आप तलवार नहीं हैं, आप कलम हो सकते हैं, दिमाग हो सकते हैं, पर हम दिमाग भी हैं, हृदय भी हैं, तलवार भी हैं, शस्त्र भी हैं, शास्त्र भी हैं, हम आज के मौके पर कैलाश जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहते हैं, या इलाही माजरा क्या है, दर्द दिल की दवा क्या है, या इलाही माजरा क्या है, दर्द दिल की दवा क्या है, हमने की है उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानती वफा क्या है। मैं बाबा था
इसलिए आप मुझसे नाराज थे क्योंकि आपको किसी बेवफा की तलाश है। मैं इन शब्दों के साथ कैलाश जी के प्रति उनके चरणों में श्रद्धांजलि करता हूं और अपने नेताओं से साथियों से कहना चाहता हूं, आने वाला दिन फिर हमारी परीक्षा का दिन है। हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पार्टी के नेताओं को आश्वस्त करना चाहते हैं, हम बोलेंगे, हम कहेंगे, लेकिन आप हमारी बोली और हमारे कहने को गंभीरता से लें, आप सम्मान दें, प्रतिष्ठा दें। हम कैलाश रफी जी की औलाद हैं, हम कैलाश रफी जी की परंपरा है, हम कैलाश रफी जी की आकृति है, हम कैलाश रफी जी की इबादत है, हम कैलाश रफी जी के संस्कारित रूप हैं, हम उनको पूजा करते आए हैं और आपको भी कैलाश रफी जी की आप में आकृति देखना चाहते हैं तो हम आज की भी पूजा करेंगे। मैं सबके साथ बहुत